subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. Hello friends, मैं राहुल रॉक एंड वेलकम टू माय चैनल रॉक टेक्नो। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं रेडमी 5A के फेस अनलॉक के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं फेस अनलॉक को कि रेडमी 5A के फेस अनलॉक के बारे में। तो क्या है इसमें फेस अनलॉक, कब तक आ सकता है या फिर किन किन यूज़र्स को मिला है, सब का डिटेल हम आपको फुल डिटेल इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम हैं MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम 8.8.16 में। तो इसमें अभी तक आप देखिए, आप यहाँ पर हम जाके देख सकते हैं, इसमें अभी तक मेरा कोई फेस अनलॉक नहीं आया है और मेरा डिवाइस भी है रेडमी का 5A, आप यहां पर जाके देख सकते हैं, और अभी तक मेरे डिवाइस में कोई भी फेस अनलॉक नहीं आया है। तो हम बताएंगे कि कब तक आ सकता है और स्टेबल वर्जन में आएगा या फिर बीटा वर्जन में आएगा, पूरे डिटेल इस वीडियो में हम आप लोगों को देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, रेडमी का 5A है, उसमें फेस अनलॉक आने के चांसेस थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन हो सके तो शाओमी दे सकती है। हालांकि MIUI 10 में काफ़ी डिवाइस को फेस अनलॉक दे दिया गया है, जैसे Note 5 Pro, Redmi Note 5, काफ़ी डिवाइसों को फेस अनलॉक दे दिया गया है बीटा वर्जन में, लेकिन अभी रेडमी का 5A में बीटा वर्जन में फेस अनलॉक नहीं आया है। तो हो सके तो 1-2 महीना के अंदर में फेस अनलॉक आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। तो इसका चांस समझ लीजिए कि 50-50 चांस है, लेकिन हो सकता है कि शाओमी इसमें फेस अनलॉक ज़रूर दे, क्योंकि इसमें iPhone X गेस्चर तो नहीं आ सकता है, क्योंकि ये फ़ोन 18:9 रेशियो का फ़ोन है तो नहीं, इसलिए इसमें फेस अनलॉक गेस्चर तो नहीं आ सकता है। आप लोग MI कम्युनिटी में भी जाके देख सकते हैं कि रेडमी 5A में फेस अनलॉक आएगा कि नहीं, तो कोई यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, कोई थ्रीट्स नहीं शो कर रहा है, ना कोई यूजर्स शो कर रहा है, तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कि आ जाएंगे, हो सकता है कि शाओमी दे दे, क्योंकि अभी तक रेडमी का 5A में ओरियो अपडेट भी नहीं है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम का लेटेस्ट वर्जन में और मेरा देख सकते हैं अभी भी नौघट पर मेरा डिवाइस जो है वो रन कर रहा है। तो शायद शाओमी इसमें ओरियो दे भी सकती है या फिर नहीं भी दे सकती, क्योंकि शाओमी का एक रूटीन है कि अप टू 1 अपडेट या फिर नहीं, वो 1 अपडेट दे सकती है या फिर नहीं भी दे सकती है, उसका मन के ऊपर है। वो चाहेगी तो इसमें ओरियो का अपडेट दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये रेडमी 5A हमारा नौघट के साथ आया था तो इसमें ओरियो का अपडेट मिलना चाहिए, लेकिन शाओमी का जैसा मन वो चाहे तो दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। तो बात कर लेते हैं फेस अनलॉक की। तो अभी तक फेस अनलॉक का फीचर्स हम लोगों को रेडमी का 5A में देखने को नहीं मिलता है, ना कि स्टेबल वर्जन में, ना ही बीटा वर्जन में। तो जैसे ही ये रेडमी का 5A में फेस अनलॉक का नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम आपको सबसे पहले इसके बारे में वीडियो बना के आपको बता देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और रेडमी 5A या फिर कोई भी MI फ़ोन की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।